नागरिकता कानून और एनसीआर के खिलाफ हुए प्रदर्शन में कई तोड़फोड़ किए गए हैं और जिसमें कई सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। ऐसा नहीं है कि केवल सरकारी संपत्तियों को ही बर्बाद किया गया है, बल्कि कुछ लोगों की जानें भी गई हैं और कुछ आम लोगों को इसका सामना करना पड़ा है। हालांकि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले 498 लोगों की पहचान कर ली गई है। नमस्कार, मैं हूं पिंकी, न्यूज़ फॉर सोशल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से जारी एक बयान में ये कहा गया है कि लखनऊ, मेरठ, संभल, रामपुर, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, कानपुर, मऊ और बुलंदशहर में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले 498 लोगों की पहचान की जा चुकी है। ये घटना हाल में ही नागरिकता कानून और एनसीआर के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान किया था कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले आरोपियों से ही इसकी पेनल्टी वसूल की जाएगी। यूपी पुलिस ऐसे लोगों की पहचान कर उन पर जुर्माना लगाकर उन्हें वसूली देने का नोटिस भेज दिया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस का कहना है कि 19 दिसंबर को हुई हिंसा के बाद पुलिस ने उत्पातियों को सीसीटीवी फुटेज के द्वारा पहचान लिया है। इसी आधार पर उन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं लखनऊ में हुई हिंसा के मामले में पकड़े गए आधा दर्जन से ज्यादा लोग पश्चिम बंगाल से कनेक्शन हैं। लखनऊ में हिंसा के दौरान इन्हें बंगाल से बुलाया गया था। जुम्मे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं और शांति सुनिश्चित करने के लिए पुलिस लगातार गश्त कर रही है। राज्य के 8 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। अभी तक पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिजनौर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, आगरा, फिरोजाबाद, संभल, अलीगढ़ और गाजियाबाद में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो सी फर्स्ट का ऑप्शन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी सारी वीडियो से नोटिफाई हो जाएं और इस खबर को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।